फ्रेंड्स, सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएस मेडिकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट फ्रैक्चर हीलिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जो बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है वो किस तरीके से हील होता है। ठीक, सो गाइस, बेसिकली जो फ्रैक्चर हीलिंग है वो अलग अलग बोन में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि हमारी कॉर्टिकल बोन है तो उसमें हीलिंग अलग तरीके से होगी, और कैंसलस बोन में हीलिंग अलग तरीके से होती है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेजेस लिख रखी हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं ये हमारी कॉर्टिकल बोन की हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी फ्रैक्चर हीलिंग क्या होती है और सेकेंडरी फ्रैक्चर हीलिंग क्या होती है। ठीक, प्राइमरी फ्रैक्चर हीलिंग, गाइस, जो हमारी प्राइमरी फ्रैक्चर हीलिंग होती है इसमें क्या होता है कि ये तब होती है जब हमारा हिमाटोमा डिस्टर्ब हो जाता है। मींस जब आपका फ्रैक्चर होता है, उस फ्रैक्चर के दौरान जो आपकी बोन है जब वो टूटती है तो उसमें से क्या होता है कि कुछ ब्लड वेसल जो होती हैं वो इंजर्ड हो जाती हैं, उसकी वजह से वहां पर हिमाटोमा बन जाता है। ठीक, तो जब आपका हिमाटोमा डिस्टर्ब होगा तो प्राइमरी फ्रैक्चर हीलिंग के थ्रू वो हील होता है। तो बेसिकली वो हिमाटोमा आपका किस केस में डिस्टर्ब हो सकता है, जब आप ओरिफ करोगे या फिर कोई हमारा ओपन फ्रैक्चर है। ठीक, ओपन फ्रैक्चर हो तो भी उसमें हिमाटोमा डिस्टर्ब होगा, या फिर ओरिफ करते हैं, ओरिफ मीन्स ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। तो अब इस केस में क्या होता है, हिमाटोमा डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब हिमाटोमा डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसकी वजह से कैलस का फॉर्मेशन भी कम होता है। ठीक, जब आपका कैलस का फॉर्मेशन कम होता है तो इसी वजह से प्राइमरी हीलिंग वाले केस में आपका एक्सरे के अंदर जो फ्रैक्चर की विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक, तो प्राइमरी हीलिंग में हम ये कह सकते हैं कि ये तब होता है जब आपका हिमाटोमा डिस्टर्ब होता है। किस केस में होगी प्राइमरी हीलिंग, जब आपका हिमाटोमा डिस्टर्ब होगा। ठीक, डिस्टर्ब किस केस में हो सकता है, ओरिफ के केस में, और इसके अंदर जो कैलस का फॉर्मेशन है वो भी नहीं होता, होता है तो बहुत कम होता है। ठीक, और गाइस इसके साथ साथ इसकी जो एक्सरे के अंदर विजिबिलिटी है वो भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी हीलिंग की, तो सेकेंडरी हीलिंग में क्या होगा, सेकेंडरी हीलिंग, गाइस सेकेंडरी हीलिंग में क्या होता है, बेसिकली इसका जस्ट अपोजिट होता है। सेकेंडरी हीलिंग में क्या होगा, यहां पर हिमाटोमा डिस्टर्ब हुआ है, सेकेंडरी हीलिंग में हिमाटोमा डिस्टर्ब नहीं होता। मींस जब आपका फ्रैक्चर हुआ लेकिन हिमाटोमा डिस्टर्ब नहीं हुआ, उस केस में आपकी सेकेंडरी हीलिंग होती है। ठीक, तो सेकेंडरी वाले केस में हिमाटोमा डिस्टर्ब नहीं होगा, और जो आपका ओरिफ मींस इसमें ओरिफ नहीं होता। हिमाटोमा कब डिस्टर्ब नहीं होगा, जब आपका ओपन रिडक्शन ना हो, मींस क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन हो सकता है क्लोज रिडक्शन के दौरान भी। ठीक, और गाइस इस केस में आपका कैलस भी काफी अच्छा बनता है, जब कैलस अच्छा बनता है तो इस केस में आपकी जो एक्सरे के अंदर विजिबिलिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया प्राइमरी हीलिंग को एंड सेकेंडरी हीलिंग को। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं गाइस स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग। तो स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग जो है, यहाँ पर ही आपकी कॉर्टिकल बोन्स के लिए है। बेसिकली जो कॉर्टिकल बोन होती है वो लॉन्ग बोन भी हो सकती है हमारी, और इसी तरीके से गाइस हमारी कैंसरस बोन के अंदर भी हीलिंग होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन कॉर्टिकल बोन। तो यहाँ पर जितनी भी स्टेजेस हैं ये सारी की सारी हमारी कॉर्टिकल बोन्स के लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग है इसमें क्या होता है, बेसिकली फाइव स्टेज होती हैं। इन फाइव स्टेज में क्या होता है, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है हमारी स्टेज ऑफ हिमाटोमा फॉर्मेशन, दूसरी स्टेज होती है हमारी स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, तीसरी स्टेज होती है हमारी स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन, एंड थर्ड स्टेज होती है हमारी स्टेज ऑफ रिमॉडलिंग, एंड फिफ्थ वन इज योर स्टेज ऑफ मॉडलिंग। तो गाइस बेसिकली इन सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहली स्टेज समझते हैं, स्टेज ऑफ हिमाटोमा फॉर्मेशन। गाइस ये वाली जो स्टेज होती है हमारी, ये आपकी लेस देन 7 डेज तक चलती है। ठीक, ये जो स्टेज है आपकी लेस देन 7 डेज तक चलती है। अब हम समझते हैं हिमाटोमा का फॉर्मेशन कैसे होता है। मीन्स मान लीजिए कोई बोन है हमारी, यहां पर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। बेसिकली ये सिंपल एक बोन है। ठीक, अब इस बोन में क्या हुआ, यहां पर ये फ्रैक्चर हो गया, ये कुछ इस तरीके से यहां पर फ्रैक्चर हुआ, तो ये हमारे फ्रैक्चर सेगमेंट बन गई, मींस फ्रैक्चर्ड एंड बन गए। ठीक है ना,
तो जब यहाँ पर फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इन इस फ्रैक्चर की वजह से ये ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाती हैं। जब ये ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो इन ब्लड वेसल्स में से क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। ठीक, तो जो ब्लड होता है ये फ्रैक्चर एंड के बीच में और इसके अराउंड फील होने लगता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका हिमाटोमा का फॉर्मेशन होता है। और गाइस इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो आपकी पेरियोस्टियम है, ये जो आपकी पेरियोस्टियम है ये भी यहां से स्ट्राइपिंग होने लगती है, इसकी भी मींस यहां से ये उठ जाती है, और गाइस इस तरीके से यहां से भी उठ जाएगी। ठीक, तो अब ये जो ब्लड था ये इस स्पेस के अंदर भी आने लगेगा। किस तरीके से आएगा ये देखिए, यहां पर ये इस तरीके से इस पूरे के अंदर ये ब्लड भरने लगेगा, यहां पर इसके अंदर पूरे में यहां पर ब्लड फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर हिमाटोमा फॉर्मेशन होता है। और गाइस इसी के साथ साथ यहां पर ये जो स्ट्राइपिंग हुई है बोन की, इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर नेक्रोसिस होने लगता है। ठीक, अब ये नेक्रोसिस हो रहा है तो इसमें देखिए क्या केस होता है, बेसिकली कुछ यहां पर ऑस्टियोसाइट होती है, तो यहां पर जो कुछ ऑस्टियोसाइट है, मान लीजिए एक ऑस्टियोसाइट है यहां पर, कुछ ऑस्टियोसाइट तो यहां पर उनकी डेथ हो जाती है, कुछ ऑस्टियोसाइट की यहां पर डेथ हो जाती है, लेकिन कुछ ऑस्टियोसाइट आपकी डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और यही डॉटर सेल मींस एक सेल से दो से तीन सेल, फिर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है इनका। यह है ऑस्टियोसाइट, कुछ ऑस्टियोसाइट आपकी डेड हो जाती है और कुछ ऑस्टियोसाइट आपकी डिफरेंशिएट हो जाती है हमारी डॉटर सेल के अंदर। और गाइस यही डॉटर सेल आगे चल करके हीलिंग में हेल्प करती है। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट होती है स्टेज ऑफ हिमाटोमा फॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, गाइस अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। ठीक, इस स्टेज में क्या होता है गाइस, बेसिकली ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अभी ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि जो कुछ आपके ब्लड क्लॉट्स थे, ये छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स होते हैं, और यहाँ पर जो हमारा हिमाटोमा था, ये सब एक मैश का फॉर्मेशन करते हैं। इस मैश में क्या होता है, बेसिकली कुछ ब्लड क्लॉट्स और हिमाटोमा इकट्ठे हो जाते हैं। और जो इससे पिछली स्टेज थी हमारी हिमाटोमा फॉर्मेशन की, इसमें क्या होता है, डॉटर सेल आपकी डेवलप हुई थी इसके अंदर। तो यही डॉटर सेल आगे चल करके यहाँ पर प्रोलिफरेशन फेज में जाती हैं, और यही डॉटर सेल आपकी कन्वर्ट हो जाती है एंजियोब्लास्ट में। ठीक, एंजियोब्लास्ट जो होती है ये फॉर्मेशन करती है आपका माइक्रो वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसमें क्या देखा हमने कि जो ब्लड क्लॉट्स थे, जो हिमाटोमा था, इन सब ने मिलकर के क्या प्रोवाइड किया, एक मैश, एक फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर आपकी डॉटर सेल आई, जो डिफरेंशिएट होकर के आगे, डॉटर सेल डिफरेंशिएट होकर के आगे आपकी फॉर्मेशन करती है एंजियोब्लास्ट का, और यही एंजियोब्लास्ट आगे चल करके आपके कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर फॉर्मेशन करते हैं आपकी माइक्रो वेसल्स का। अब इसमें क्या होता है गाइस, यही वो स्टेज होती है जो आपकी सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग को अलग कर देती है बोन हीलिंग से। मीन जो हमारी ये बोन हीलिंग है, इसमें यही वाली जो स्टेज है जो कि आपकी अलग करती है सॉफ्ट टिश्यू वाली स्टेज से। कैसे अलग करती है गाइस, यहाँ पर मान लीजिए हमारा अब ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, ये जो ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, अभी भी फ्रैक्चर आपका मोबाइल रहेगा इस केस में भी, लेकिन यहाँ पर ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, तो जो ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है ये फर्दर डिफरेंशिएट होता है, ये फर्दर डिफरेंशिएट होता है हमारा ऑस्टियोसाइट्स में, और यही ऑस्टियोसाइट्स आगे चल करके एंड में आपका बोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस स्टेज में कुछ जेंट सेल्स भी आती हैं यहाँ पर, माइक्रोफेजेस भी आती हैं, जो कि इसके इस फेज के एंडिंग फेज में वो क्या करते हैं, यहाँ से ब्लड क्लॉट्स को और जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन के बारे में। गाइज अभी तक हमने समझा कि जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है उसका फॉर्मेशन कहते होता है, तो यही ग्रैनुलेशन टिश्यू आपका इस वाली स्टेज के अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक, मीन्स कैलस फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है वो आपका डिफरेंशिएट हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि जब वो डिफरेंशिएट होता है तो वहां पर ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, और इस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर आपकी ऑस्टियोब्लास्ट आने लगती हैं, यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट तो होती हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर कैल्शियम के कुछ साल्ट भी यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं।
तो ये सब मिल करके क्या करते हैं, कैलस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और इसी दौरान आपका जब ये कैलस का फॉर्मेशन होता है, जब कैलस फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पर एक बेसिकली सॉफ्ट बोन बन जाती है, जिसको हम वोवेन बोन कहते हैं, ठीक। तो गाइस जो कैलस फॉर्मेशन है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है, वो होता है हमारा 4 to 12 weeks का, ठीक। इसका मतलब यदि हम 3rd week के अंदर एक्सरे कराएं तो कैलस फॉर्मेशन दिख सकता है। तो जो कैलस फॉर्मेशन है, यही आपका फर्स्ट साइन होता है यूनियन का। तो गाइज ये वाली जो स्टेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलस फॉर्मेशन की, ठीक। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि कैलस फॉर्मेशन जो होता है गाइज, वो अडल्ट में थोड़ा स्लो होता है, ठीक। और जो कैलस फॉर्मेशन है वो आपका कैंसरस बोन में भी स्लो, सॉरी कॉर्टिकल बोन में स्लो होता है, कैंसरस बोन में फास्ट होता है, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेज ऑफ रिमॉडलिंग। तो गाइज स्टेज ऑफ रिमॉडलिंग में देखते हैं बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आपका कैलस फॉर्मेशन हुआ था, अभी यही कैलस फॉर्मेशन आपका रिमॉडलिंग फेज में जाता है, ठीक। मीन जो कैलस फॉर्मेशन हुआ था, इसमें आपका वोवन बोन का फॉर्मेशन हुआ था, तो रिमॉडलिंग वाले फेज में क्या होता है कि जो आपकी वोवन बोन है, ये जो वोवन बोन है ये मेच्योर हो जाती है, आपकी मेच्योर आती है आपकी लेमेलार बोन में। ये जो वोवन बोन है ये आपकी मेच्योर हो जाती है लेमेलार बोन में, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका कैलस है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक। और जो उसकी एजेस है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, मान लीजिए कैलस है तो इसकी एजेस कुछ इस तरीके से शार्प हो जाती है। तो आपका जो स्टेज ऑफ रिमॉडलिंग फेज है, इसके अंदर सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो आपका वोवेन बोन है ये आपकी मेच्योर होकर के लेमेलार बोन का फॉर्मेशन करती है। और जो स्टेज ऑफ रिमॉडलिंग फेज है ये काफी लॉन्ग पीरियड वाला फेज है, इसमें लगभग आपका 1 to 4 years तक लग जाता है, ठीक। अब गाइस इसके बाद आती है हमारी स्टेज ऑफ मॉडलिंग। स्टेज ऑफ मॉडलिंग में क्या होता है कि जो आपका फ्रैक्चर है, मान लीजिए फ्रैक्चर बोन कुछ जुड़ने के बाद फ्रैक्चर बोन की शेप कुछ इस तरीके से आई, ये आपकी फ्रैक्चर बोन है, जुड़ने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो गई, तो स्टेज ऑफ मॉडलिंग वाले फेज में क्या होगा, इसकी शेप बिल्कुल नॉर्मल होकर के आएगी। लेकिन गाइज इस प्रोसेस में आपके मैनी ईयर्स लग जाते हैं, मीन्स काफी ज्यादा साल लग जाते हैं इसमें। और गाइज इसमें जो आपका मॉडलिंग वाला फेज है, ये जो मॉडलिंग वाला फेज होता है, जो मॉडलिंग की और रिमॉडलिंग की जो कैपेसिटी होती है वो बच्चों में बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए जो बच्चों के फ्रैक्चर हैं उनकी हीलिंग पावर भी अच्छी होती है, उनकी मॉडलिंग पावर भी अच्छी होती है, लेकिन अडल्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये जो आपका मॉडलिंग वाला फेज है, इसके लिए एक स्टिमुलेशन होता है। बेसिकली स्टिमुलेशन बोले तो आपका, अगर जो अगर आपका फ्रैक्चर एंड पर स्ट्रेस आएगा तो मॉडलिंग अच्छी होगी, मींस वेट बेयरिंग स्ट्रेस। तो हम कह सकते हैं कि इस स्टेज के बाद यदि हम पेशेंट को वॉकिंग रेफर करें, हम पेशेंट से बोले कि आप थोड़ा बहुत चलिए, यदि आपका टीबिया का फ्रैक्चर है, शाफ्ट ऑफ द टीबिया का फ्रैक्चर है, तो हम पेशेंट से कह सकते हैं कि आप मीन्स इस वाली स्टेज के बाद आप थोड़ा सा चल फिर सकते हो। जब वो चलेगा तो उससे क्या होता है कि आपका जो फ्रैक्चर एंड पर स्ट्रेस आएगा, वो स्ट्रेस क्या है, वो स्ट्रेस स्टिमुलेट देता है मॉडलिंग को। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस आएगा उतनी जल्दी आपकी मॉडलिंग हो जाएगी। सो गाइस इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा फ्रैक्चर हीलिंग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने इस लेक्चर से इस कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। सो गाइस यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।